फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्माइल विद सारिका। और अभी मैं आई हूँ रामराज नर्सरी और सीरियसली यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है। इनके पास में बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं और आज मैं लेके आई हूँ उससे थोड़ा सा अलग, मीन्स आपके लिए लेके आई हूँ इंडोर प्लांट बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। और मुझे आके यहाँ पे लगा कि बहुत सारे प्लांट हैं जो अदर नर्सरी के कंपेरिजन में जहाँ के रेट भी बहुत ही नॉर्मल है, आप यहाँ पे आके प्लांट बाई कर सकते हो। तो आज मैं आपको एक एक करके सारे इंडोर प्लांट्स दिखाने वाली हूँ। जो कुछ कलेक्शन जो मैंने भी यहाँ से कलेक्ट किया है वो सारे प्लांट आपको दिखाऊंगी और विथ रेट कि उनका रेट क्या है। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए कौन कौन से इंडोर प्लांट आए हुए हैं। तो चले, पहला जो प्लांट है वो है क्रोटन पैट्रा और ये प्लांट यहाँ पे आपको मिलेगा 80 रुपीज़ का और बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत कलरफुल प्लांट है और इंडोर है। तो आपको अपने घर को डेकोरेट करना हो तो आप इस तरीके का प्लांट ले सकते हो, काफ़ी अच्छा है और बड़ा भी है और सिर्फ 80 रुपीज़ का है पॉट में। अभी फ़िलहाल में अगर आप इसे ले जाओगे तो किसी भी रिपोर्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये प्लांट बेस्ट है। चलिए फिर देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी प्लांट है। दूसरा जो प्लांट है वो है एग्लोनिमा का और ये है एग्लोनिमा जंगल पैरेट और ये है 100 रुपीज़ का। बहुत सुंदर है और काफ़ी अच्छा चलता भी, अगर आप एक बार लगा लो और पानी वगैरह जो भी है इसमें बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना है, बाकी ये आप ठीक ठाक घर में चल जाता है। तो मीन्स इसको भी आप रख सकते हो और इजी टू केयर है, बहुत ज़्यादा तामझाम भी नहीं है इसमें। इनके पास में एक और वेराइटी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो है वो है ये एग्लोनिमा स्नो वाइट और ये है 150 रुपीज़ का और ये बहुत सुंदर है। आप इसकी पत्तियाँ देखो, बिल्कुल है ना स्नो टाइप का ही हल्का सा लग रहा है ना, मतलब पैचेस टाइप का है। बहुत सुंदर प्लांट है और इसे आप ऑफिस के पर्पज़ से भी रख सकते हो या फिर आपको घर में किसी कॉर्नर में रखना हो वो भी रख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल इनके पास ये दो वेराइटी के एग्लोनिमा आपको मिल जाएंगे। और ये जो है ये भी क्रोटन का ही है, क्रोटन येलो डस्ट है और ये है 80 रुपीज़ का। इसका छोटा वाला भी आपको मिल जाएगा और वो 50 रुपीज़ का है और ये सब ये काफ़ी अच्छे बढ़ते भी हैं और इसे भी आप चाहे तो सेमी शेड में रख सकते हैं या घर में रख सकते हो। थोड़ा बहुत कोई भी इंडोर प्लांट होता है तो उसको थोड़ा बहुत आपको मीन्स हफ्ते 10 दिन में थोड़ा सा सनलाइट दिखा के फिर से रख लो, तो ये वैसा ही प्लांट है। तो इसको भी आप अपने बालकनी में अपने घर में रख सकते हो। इसका जैसा कि मैंने बोला था ना कि छोटा वाला भी है, तो ये रहा इसके छोटे साइज़ का और ये देखो एक में दो दो लगा हुआ है। तो आप ये भी चीज़ ध्यान दे के ले सकते हो, जहाँ पे आपको दिखे कि ज़्यादा ब्रांचेस है या ज़्यादा प्लांट है तो वो वाला भी आप ले सकते हो। तो ये है सिर्फ 50 रुपीज़ का। बाकी इनके पास क्रोटन की और भी बहुत सारी वैरायटी है, बाकी ये भी क्रोटन येलो डस्ट ही है, सिर्फ पत्ते का फ़र्क है। आप देखो तो इसकी जो पत्तियां हैं ना वो इस तरीके की बिल्कुल पतली पतली है और बहुत अच्छा लगता है। इसमें भी देखो तीन प्लांट लगे हुए हैं और सिर्फ 50 रुपीज़ का है। तो आप चाहो तो इसे अलग अलग से डिवाइड करके छोटे छोटे कप में भी लगा सकते हो। तो जैसे कप में लगा के आप किसी कॉर्नर में, स्टडी टेबल पर या ऑफिस में, उन सब जगह पर भी इसको रख सकते हैं। अच्छा प्लांट है ये। इनके पास में क्रोटन की बहुत वैरायटी है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे हैं। और ये भी देखिए क्रोटन का एक और वैरायटी है, ये भी सिर्फ 80 रुपीज़ का है और थोड़े से पत्तियाँ जो है ना वो इस तरीके की ट्विस्टेड हैं और आप इस तरीके का बहुत सुंदर है। काफ़ी सारे कलर हैं, ग्रीन कलर में भी मुझे दो तीन शेड दिख रहे हैं, रेड येलो, बहुत अच्छा प्लांट है। तो ये भी प्लांट आप 80 रुपीज़ में यहाँ से लेके जा सकते हो। एक और है क्रोटन का, आप ये देखो, ये भी क्रोटन देखो बहुत सुंदर है और ये भी सिर्फ 50 रुपीज़ का है और इस तरीके के इसके पत्ते बहुत लंबे लंबे हैं। और बाकी मैं जैसे देख रहा था ना यहाँ पे इसमें येलो के डॉट डॉट टाइप के हैं और ये 50 रुपीज़ का है। यहाँ पे भी आप आके बल्क में भी लेके जा सकते हो क्योंकि रेट इनका बिल्कुल होलसेल वाला ही मुझे लग रहा है, ये भी सिर्फ 50 रुपये का। तो क्रोटन में मिला के इनके पास में 1, 2, 3, 4 मतलब करीब 5-6 वैरायटी है। तो आप 5-6 वैरायटी में अलग अलग तरह के हैं तो आप लेके जा सकते हो, सभी बहुत कलरफुल हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये है एनी गेसेस ड्रेसिना ग्रोसिया और ये भी है सिर्फ 50 रुपीज़ का। तो ये भी अपने घर को कलरफुल बनाने के लिए बहुत ही सुंदर ऑप्शन है। और इन सब में सबसे अच्छी बात है ना कि जितने प्लांट अभी आपको मैंने दिखाए हैं ये सब बहुत ही कम केयर वाले प्लांट हैं, बहुत ज़्यादा इनमें ये केयर भी नहीं मांगते हैं तो आप इसे आराम से लगा सकते हो। और ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, जितना सुंदर नाम
कितनी सुंदर सूरत, बिल्कुल देखो कितना सुंदर है, बिल्कुल आप इसका ये पत्तियाँ देखो, साइड में येलो और बीच में ग्रीन, बहुत सुंदर प्लांट है। और ये भी सिर्फ 50 रुपीज़ का है, तो आप इसे भी ले सकते हो। इसमें भी मतलब इनके यहाँ मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी है कि जो भी प्लांट है पॉली बैग में लगे हुए वो सभी डबल या ट्रिपल हैं। आप देखो इसमें भी 2 प्लांट लगे हुए हैं, तो जब आप आओ तो आप चेक करके आप ले सकते हो ऐसे करके। और ये प्लांट है अरेलिया का प्लांट, और ये भी देखिए ये इसमें 2-3 वैरायटी आते हैं, छोटे पत्ते वाले भी आते हैं। तो अभी इनके पास में जो है वो है बड़े पत्ते वाले हैं, और ये वेरीगेटेड अरेलिया है, और ये भी सिर्फ 50 रुपीज़ का है। तो देखिए कितना सुंदर है। और अब मैं क्या बोलूँ, इनके लगभग मुझे जितने भी मैंने उठाए हैं सब में आप देखो इसी तरीके से है, प्लांट बहुत अच्छे हैं और आप यहाँ से लेके जा सकते हो, बहुत यूज वैरायटी है। और ये प्लांट है डिफिनवेसिया, और ये है 100 रुपीज़ का प्लांट, ये भी बहुत सुंदर है। आप देखो इसकी पत्तियों को, खूब चौड़े चौड़े पत्तियाँ होते हैं, जैसे ही आप इसे थोड़ा सा बड़े पॉट में डालोगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। और अच्छी बात है कि जब ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप इसे कट भी कर सकते हो, कट करके न्यू प्लांट भी बना सकते हो। बाकी बहुत अच्छा ग्रो होता है घर में, आप इसे भी कम धूप में आराम से चला सकते हो। इन केस अगर आप चाहो तो इसे थोड़ा सेमी शेड वाले जगह पे भी रख सकते हो। और ये प्लांट जो है जितना सुंदर है थोड़ा सा पॉइजनस भी होता है, तो इसे बच्चों से या अपने पेट से थोड़ा सा अलग रख के आप किसी भी कॉर्नर में लगा सकते हो। और नेक्स्ट प्लांट ये है सेफलेरा का प्लांट, ये है वेरीगेटेड सेफलेरा, सिर्फ 60 रुपीज़ का। और अच्छी बात ये है कि आप इसको इस तरीके से किसी गमले में भी लगा सकते हो, या फिर आप किसी बड़े से पॉट में 2-3 प्लांट को इकट्ठे लगा के जस्ट बुशी लुक दे सकते हो। और इसकी बहुत अच्छी बोनसाई भी बनती है, मतलब बहुत कम मेहनत के साथ आप इसके बोनसाई भी बना सकते हो। तो ये भी अच्छा प्लांट है, बहुत कम केयर मांगता है। और इसी में और भी एक कलर है, वो भी दिखाती हूँ आपको, वो था वेरीगेटेड वाला और ये है प्लेन ग्रीन कलर वाले सेफलेरा, और ये भी वैसे ही है, इसे भी आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। बाकी मॉस स्टिक के सहारे आप जिस तरीके से हम लोग मनी प्लांट को लगाते हैं ना, उस तरीके से भी आप 2 प्लांट को कंबाइन करके बहुत अच्छे से मॉस स्टिक के साथ में लगा सकते हो, और ये बहुत अच्छे चलते हैं। तो घर के किसी कॉर्नर को सजाने के लिए बेस्ट प्लांट है ये भी। और ये है क्लोरमा का प्लांट, ये भी बहुत अच्छा इंडोर चलता है, और आप देखो इसकी भी बहुत सुंदर पत्तियाँ हैं, तो आप इसे भी किसी भी कॉर्नर में लगा सकते हो। और बहुत इसके भी पत्ते आप देखो तो इसमें भी 2-3 कलर इकट्ठे दिख रहे हैं मुझे, जैसे कि आप देखो पतले पतले और बहुत सुंदर है, तो ये भी बहुत अच्छे चलते हैं। और इसे अच्छी बात है कि आप अगर एक बार लगा लो ये अच्छे चल जाए तो इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हो, जहाँ भी आप कटिंग से इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बाकी 2-3 प्लांट को भी आप इकट्ठे लगा के रख सकते हो। और ये प्लांट है सिर्फ 40 रुपीज़ का। और ये दो देख रहे हो आप पाम, तो ये एरिका पाम है, और ये भी घर में आप रख सकते हो एज अ इंडोर प्लांट। और ये बड़ा वाला 250 रुपीज़ का है, और यहाँ पे एक और इसमें आप देखो खूब सारी टहनियाँ हैं, खूब सारे, और पूरा भर के इसमें आपको 250 रुपये में मिलेगा, तो काफ़ी बड़ा प्लांट है, लगभग मेरी साइज का, मेरे हाइट का है, और बहुत ही अच्छा प्लांट है। बाकी आप इसमें छोटे साइज़ का भी ले सकते हो, और ये छोटे साइज़ का जो ये 150 रुपीज़ का है, और ये भी काफ़ी बुशी है और अच्छा प्लांट है, और बहुत ही इन सब का एक ही फंडा है, अगर आप कोई भी इंडोर प्लांट लेते हो जितना मैंने दिखाया, या किसी को भी पानी कम डालना है, जब पूरी तरीके से आप देखो कि मिट्टी सूख गई है उसके बाद ही पानी डालना है, तो 1 वीक या 10 दिन में आप इसे अच्छे से वाटरिंग कर लो। वाटरिंग जब भी करना है तो अच्छे से कर देना है, और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी का फंडा मत कीजिएगा, उसमें मोस्टली प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और फिर आप पानी बिल्कुल उंगली को डाल के चेक करके उसके बाद ही वाटरिंग करें, प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं, मरते नहीं हैं। और कोई भी प्लांट चाहे इंडोर भी हो, फिर भी कोशिश कीजिए कि उसे थोड़ा सा ब्राइट लाइट मिल जाए तो वो बहुत अच्छे से चलेंगे। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है और भी कई सारे प्लांट हैं, ये सब जो यहाँ पे आपको बहुत ही कम रेट में मिल जाएंगे बाकी जगह कंपैरिजन में, वो सारे प्लांट्स मैंने आपको दिखाए हैं। जब यहाँ पे आएंगे तो इनके पास काफ़ी सारी वैरायटी है, बाकी भैया जो भी यहाँ पे ओनर हैं इसके वो भी आपको काफ़ी अच्छे से बता देंगे कैसे क्या कौन सी प्लांट आप ले सकते हो। तो एक बार रामराज नर्सरी जरूर विजिट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर अभी के लिए बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो में।